शांति। आज की तारीख है 6/10/14 और आज की ज्ञान मुरली में मीठे मीठे बाप दादा जैसे हम बच्चों से रू रिहान करते, हम बच्चों से बातें करते, तो मीठे मीठे बाप दादा हमें माया से भी बातें करना सिखलाते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ऑर्डर करो। किसको ऑर्डर करें? भूतों को ऑर्डर करें। भूत कौन से? 5 विकार। तो उनको ऑर्डर करो, अर्थात उनसे बात करो ऑर्डर करके कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। उनको भगाओ, तुम उनको डराओ, तो वो भाग जाएंगे। पर हम उनको डराते ही नहीं, हम तो उनकी बहुत ही आगता स्वागता करते। तो बाबा कहते हैं, भूतों से डरो नहीं, तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। प्रश्न है आज का, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? जो बच्चे ईश्वरीय नशे में रहते हैं उनकी शोभा क्या है? उत्तर है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। हम अलौकिक बच्चे हैं तो सब कुछ अलौकिक है, तो शोभा भी बड़ी अलौकिक है। तो कौन सी शोभा है? सेवा उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर में कोई भी भूत नहीं होगा। बाबा कहते सेवा तो भले करो, परंतु सेवा करते समय तीर कब लगेगा? जब अंदर में कोई भी भूत प्रवेश न हो। भूत अंदर में नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के अधिकारी हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर 1 है, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है, क्योंकि जो स्वयं ही विकारों के बंधन में बंधा हुआ होगा तो वो कैसे सेवा करेगा? सेवा तो निर्बंधन ही कर सकते। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। नंबर 2 पॉइंट है, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। उगारना माना मनन चिंतन करना, अर्थात बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसका मनन चिंतन करेंगे तो स्थिति हर्षित रहेगी। वरदान है आज का, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना। किस बात में निश्चय यथार्थ? एक तो अपने आत्म स्वरूप को जो जाना है उसमें निश्चय, फिर मानना, फिर उसी ही स्वरूप को मानकर स्थित रहना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस भी रूप में पाठ
बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन है आज का, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।